नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। और आज संडे का दिन है, यानी रिलैक्स करने का दिन है। एंजॉय नहीं, सॉरी, आज रिलैक्स करने का दिन नहीं है। आज है इस साइड पे, ये सारी लिनन क्लॉजेट बनाने का दिन है आज। आपको याद होगा कि ये क्लॉजेट हमने पूरी तैयार की थी, लेकिन तब से समय नहीं लगा, टाइम नहीं लगा इसको बनाने का। तो ये जैसे बिस्तरे पड़े हुए हैं, ये मैडम के सूट वगैरह पड़े हुए हैं, ये सारे एडजस्ट करने हैं यहाँ पे। तो ये सब कुछ आज निकाला जाएगा और इसकी जगह पे बनाया जाएगा एक क्लॉजेट। ये भाई साहब यहाँ घूम रहे हैं सुबह सुबह। क्या खा रहे हो? क्या खा? पीनट बटर सैंडविच। या सो आज क्लॉजेट बनाने का दिन, सो लेट्स गो स्टार्ट। आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इजीली आप कैसे बना सकते हो और आप पैसे बचा सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी को हायर करोगे तो यू ऑलमोस्ट पे 10 गुना ज़्यादा मनी। सो लेट्स गो। एक्चुअली प्लाईवुड मैंने पहले काट ली थी, ये मेपल प्लाईवुड है, हाइट इसकी मैंने रखी है ऑलमोस्ट 70 इंचेस और विथ इसकी है 24। 48 की प्लाईवुड आती है, तो इसलिए मैंने उसको मतलब हाफ में काट दिया। सो मेजरमेंट मैंने पहले ले ली थी। अभी जो नेक्स्ट स्टेप मैं कर रहा हूँ ये जो छेद एक्चुअली बना रहा हूँ, ये छेद बनाने का फ़ायदा ये होता है, एक्चुअली मैंने बना लिए थे, मुझे भूल गया कि आपको भी दिखाना चाहिए। तो इसका बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो शेल्फ है वो एक्चुअली आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी डिमांड के हिसाब से। मान लीजिए कि अगर स्टोरेज कल को चेंज हो जाती है तो शेल्फ का जो हाइट है उसको ऊपर नीचे करके आप स्टोरेज अपनी जो है वो कर सकते हो। सो ये बनाने के लिए वैसे तो बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, जो लोग कैबिनेट्स बनाते हैं उनके पास बड़ी मशीन्स होती हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए एक जेग आता है, इसका नाम है दिस वन, क्रैग का जेग आता है। और ये क्रैग का जो जेग है इसको आप बड़े आसानी से इसके सारी जो टेम्पलेट होल्स इन्होंने दिए हुए हैं और इसके यूज़ करते हुए आप ये होल कर सकते हो। तीन करते हैं मैंने, चौथा आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं ताकि आपको भी पता चले। सो जो आपकी साइड पे ब्रैकेट हमने लगानी होती है जिसके ऊपर शेल्फ टिकती है, जिसको पिन कहते हैं एक्चुअली, वो पिन की जितनी डेप्थ होती है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये टेप पे लगा दिया है, ताकि जब मैं इसके अंदर से होल करूँगा तो जहाँ पे टेप आएगी मैं रुक जाऊँगा वहाँ पे। तो ऐसे इतना होल होगा, अगर आप नीचे से देखें तो पिन के लिए हमारा इतना होल होगा, नीचे इतना, राइट, ये होल चाहिए हमें। सो दिस इज़ ए गुड टूल, आई गेस $30-40 का ख़रीदा था, बट इट्स गुड, लेट्स गो, आपको दिखाते हैं। सबसे पहला जो काम करना है हमने वो करना है, आपके पास ड्रिल होगी, ड्रिल में आपने अपनी जो उसकी बिट आपके साथ इसके साथ आती है वो लगा देनी है, एंड दैट्स इट, ये टेप पे आपने रुकना है, राइट। सो सबसे पहला काम ये मैंने कर दिया, लेकिन मैं बताता हूँ कि कैसे शुरू करते हैं। तो इसको बिल्कुल इसके कोने पर लगा के, बिल्कुल एंड पे इसके लगा के मैंने क्या किया कि ये पहला होल कर दिया मैंने, राइट। सो ये होल कर दिया है मैंने, अब इस होल को, इस होल से हमने आगे जाना है। वो कैसे जाना है इसको मैं उठाऊंगा। ये पहले वाला होल है, इसके पिन आती है, इस पहले वाले होल में ये पिन मैंने सिक्योर कर दिया है, अब ये हिलेगा नहीं। सो यहाँ से आगे मैंने होल करने शुरू कर देने हैं, होल मैंने करना शुरू कर दिया ये यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा दूसरा होल। अब यहाँ से दोबारा सेम वही टेक्निक को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने इसको सिक्योर कर दिया इस होल में, अब यहाँ पे होल मैंने सारे करने शुरू कर देने हैं लाइक दिस। लेट मी इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ मैं यहाँ। ये देखो ऐसे होल हो गए। जिग का काम हो गया ख़त्म, अब एक्चुअली लगानी है सबसे नीचे हमने एक शेल्फ और सेंटर में एक शेल्फ, जिसको परमानेंटली हमने उसके साथ जोड़ देना है, ताकि एक तरह वो अच्छी तरह उसको पकड़ ले। और जो ऊपर वाली शेल्फ लगेगी, ऊपर वाली शेल्फ यानी पूरी जो ओवरऑल एंड टू एंड जाएगी वो लगाएंगे हम अंदर। सो लेट्स गो, अभी उसको काटना पड़ेगा साइज़ के हिसाब से, तो पहले मैं साइज़ चेक कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर आके काटते हैं उसको, लेट्स गो। सो हमने एक्चुअली डिसाइड किया है कि इस साइड पर हमने बनानी है रॉड, जिसके ऊपर कपड़े वो टांग सके मैम साहब, और इस साइड पे हमने बनानी है शेल्फ्स। सो ये कैन यू सी, यस यू कैन सी माय दिस, सो इस साइड पे सारी शेल्फ्स बनेगी। सो जो मैंने मेक श्योर करना वो ये कर, तो हमारी शेल्फ हो वो इस दरवाजे से इधर हो, ताकि अगर इन फ्यूचर हमें ड्रॉअर्स बनाने होंगे तो वो यहाँ पे फंसेगी नहीं। सो
आई नीड टू चेक ये कितना है. So it is almost 32. It's 31. So मैं actually इसे थोड़ा कम बनाऊंगा, like 28. तो इस दरवाजे से वो पीछे रखनी है तो मैं काटूंगा शेल्फ 28 की और 28 की शेल्फ और जो सेंटर वाली शेल्फ होगी वो होगी 26.5. क्यों ऐसा है? क्योंकि जो नीचे शेल्फ है उसके ऊपर जैसे ये शेल्फ है तो ये नीचे वाली शेल्फ है उसके ऊपर ऐसे जो स्टैंड करेगी जो हमारी साइड वाली कैबिनेट है या क्लोज़ेट जिसको कह सकते हो आप, लेकिन जो सेंटर वाली होगी वो एक्चुअली साइड पे पहले होगी तो उसका जो विड्थ है वो 0.75 है. दोनों को ऐड करें 1.5 तो 28 में से माइनस हो जाएगा 1.5 तो 26.5 की वो सेंटर वाली हमें काटनी पड़ेगी. अभी एक्चुअली क्या करना है हमने कि जो शेल्फ काटी है नीचे वाली और सेंटर वाली उसको ग्लू के साथ और स्टेपल गन के साथ जो स्टेपल एक्चुअली मैंने पहले ही वीडियोज़ में भी यूज़ किए हैं उसके साथ एक्चुअली कनेक्ट कर देना है जो साइड की जो उसकी लेग्स हैं उसके साथ. वेल ये एक्चुअली जो कैबिनेट है जो क्लोज़ेट है वो हो गई है तैयार. ये इसका फ्रंट है नीचे. यहाँ पे एक्चुअली मैंने लगाना है आयरन बोर्ड जो मतलब प्रेस करने के लिए जो यूज़ होता है और जिसको हमने अब अटैच करना है अंदर. इसकी ऊपर जो एक शेल्फ लगनी है यार वो एक्चुअली कम हो गई है तो वो मुझे लेके आनी पड़ेगी होम डिपो से, लेकिन दिस इज़ रेडी. अभी इसको अंदर इंस्टॉल करना है तो पहले अंदर का खाली कर देते हैं. इसको हो गया खाली, अभी लेके आते हैं उसको, देखते हैं कि कैसे फिटिंग आएगी उसकी. ये आ गई अंदर. अभी यहाँ पे एक्चुअली स्टड है और यहाँ पे जो एक्चुअली मैंने सपोर्ट लगाई है और नीचे जो सपोर्ट लगेंगे उसको स्टड के साथ एक्चुअली कर देना स्क्रू लेवल चेक करते हुए. पहले लेवल चेक करके और उसके बाद स्क्रू. कहीं नहीं जाएगा अभी. अभी इसकी शेल्फ्स बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट मैं काटूं. क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? हेयर कट कर कहाँ जा रहा है अभी? हेयर कट कहाँ जा रहा है? हेयर कट के बाद नानी हाउस. ओके बाय, आई लव यू मम्मी. गपी गपी. ओके तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस साइड पे एक्चुअली ये वाला जो है वो लगा दूंगा ना इसके बिल्कुल इको, तो ये पूरी कैबिनेट रेडी हो जाएगी. जो इस साइड पे लगाना है उसकी जो विड्थ है जो डेप्थ है आप कह सकते हो वो मैंने कम कर दी है, इतनी कम कर दी है ताकि जो बड़े बॉक्सेस हैं वो बड़े आराम से यहाँ से ऊपर रख सकूँ. So this is the plan. और इसको लगाने के लिए एक्चुअली अभी क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक स्ट्रिप लगानी पड़ेगी और वो स्ट्रिप इसको होल्ड करेगी और होल्ड करते हुए एक्चुअली उसको वो पूरी सपोर्ट दे देगी. अभी एक्चुअली मैं स्ट्रिप काट के लाता हूँ और उसके बाद स्ट्रिप लगाते हैं. ढांचा इसका हो गया तैयार. देखो इस साइड पे ये पूरी कैबिनेट एक तरह मैंने तैयार कर दी और इस साइड पे एक्चुअली लगना है हैंगर तो इसको थोड़ा पीछे कर दिया ताकि जब बॉक्स रखने हो तो वो इस क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाए इससे. सो ये हो गया ढांचा हमारा तैयार. इसका अगला स्टेप है इसको फिनिश करना, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ क्योंकि एक नई चीज़ मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जो सामने है इसके टेप कैसे लगाते हैं. आई बिलीव बहुत से हमारे जो बिस्तरे हैं जो शीट्स हैं कंबल हैं जो मेम साहब के सूट्स पड़े हुए हैं ये वाले ये सारे यहाँ पे फिट हो जाएंगे. सो एक अच्छी एक्चुअली हमारी यूटिलाइजेशन हो जाएगी. और दूसरी बात ये है एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे एक्चुअली मैं लगाना चाहता हूँ प्रेस करने के लिए जो आयरन बोर्ड होता है.
वो ऐसा आयरन बोल्ट है कि आप उसको निकाल सकते हो, उसको अंदर दोबारा क्लोजेट में डाल सकते हो। लेकिन ये सब नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपने इस वीडियो को किया होगा लाइक, सब्सक्राइब कर दिया होगा अपने चैनल को और हमारी फैमिली के साथ आप जुड़ गए होंगे। इस तरह की वीडियो लेके मैं आता रहता हूँ। और ये है बटर, बटर से हाय, हेलो, ये गुड बॉय। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना रखिए ख्याल, स्टे सेफ, बी काइंड टू ईच अदर।